हाय दोस्तों, मैं हूं दीपेश। इस वीडियो में बताएंगे दोस्त यूनियन बैंक में दोस्तों हम पैसे को चेक के द्वारा कैसे जमा करेंगे दोस्तों। तो यहां दोस्तों हम डिपॉजिट स्लिप भरेंगे दोस्तों। ऐसे दोस्तों हम चेक के द्वारा भरना, कैश के द्वारा नहीं भरना, तो ये सब ऑप्शन काम नहीं आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले चेक में ये देखना है, यहाँ अगर दो लाइन है दोस्तों तो आप इसे बैंक में ही डाल सकते हैं, ऐसे ये निकलेगा नहीं, किसी तरह का कैश इसे ले नहीं सकेंगे। तो इसे बैंक में सबमिट करना होगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे डेट भी देखना होगा कि 3 महीने से पुराना चेक ना हो, 3 महीने से पुराना चेक होगा तब भी ये काम नहीं करेगा दोस्तों। दोस्तों इस चेक को दोस्तों हम यूनियन बैंक में जमा करेंगे। बहुत को कन्फ्यूजन होता है दोस्तों कि जैसे ये बैंक ऑफ बड़ौदा तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, किसी बैंक में जमा कर सकते हैं। मगर दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस चेक को दोस्तों हम यूनियन बैंक में कैसे जमा कर देंगे। आपका अगर यूनियन बैंक में अकाउंट है उसमें दोस्तों आप बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक डालना चाहते हैं या किसी भी अदर बैंक का चेक डालना चाहते हैं तो कैसे जमा कर सकते हैं दोस्तों। यूनियन बैंक में जाके डिपॉजिट स्लिप ले लेंगे, ये स्लिप आपको बैंक में मिल जाएगा। चलिए अब इसे पूरा फिलअप करके सबमिट करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले डेट डालिए, आज का डेट जो हो वो डाल दीजिए। यहाँ पे अपना डेट डाल दीजिए दोस्तों, जो ब्रांच हो दोस्तों, जो ब्रांच में आप पैसा डाल रहे हैं वो डाल दीजिए। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि हिंदी में लिखना या इंग्लिश में लिखना, दोनों अलाउ है। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिखना है दोस्तों, तो अपना अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा। यह अकाउंट नंबर अपना जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो लिखिएगा दोस्तों। यहाँ पे नाम लिखना है दोस्तों, तो आपका चेक में नाम और जो आप बैंक में नाम है दम सेम होना होगा तभी जमा होगा। तो जैसे राकेश सिंह है यहाँ नाम लिख दे रहे हैं, यह नाम हो गया दोस्तों। यहाँ मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी ज़रूर लिख दीजिएगा, अगर कुछ गलती होता चेक में या किसी तरह का प्रॉब्लम होता तो वो खोल कर देते हैं, तो मोबाइल नंबर भी ज़रूर लिख दीजिएगा जो बैंक में रजिस्टर हो। ईमेल आईडी दोस्तों आप कॉमन लिखना तो लिखे, नहीं छोड़ दीजिए। यहाँ चेक में जितना अमाउंट है दोस्तों, जैसे ये 5000 का है चेक, तो यहाँ हम 5000 लिखेंगे। वर्ड में लिखना है दोस्तों, तो हम वर्ड में लिखते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं दोस्तों, हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, खास यही देखना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको चेक नंबर, डेट लिखना, कब इशू हुआ, और दोस्तों कौन सा बैंक है, जैसे यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो चेक नंबर दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको चेक नंबर मिल जाएगा, ये है चेक नंबर, ये चेक नंबर दोस्तों। डेट आपको ये लिखना है, और दोस्तों बैंक ये, तो सबसे पहले ये लिखना है, तो कितना है 3259 है, तो यहाँ लिखेंगे। डेट लिखना दोस्तों, तो यहाँ जो डेट है वो लिखेंगे। यहाँ डेट हो गया दोस्तों, और दोस्तों बैंक BOB, यहाँ दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर फुल लिखना तो यहाँ नीचे में फुल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अमाउंट कितना है, तो अमाउंट लिख देते हैं। यहाँ पे दोस्तों अमाउंट लिख दिए, टोटल अमाउंट, तो यहाँ जमाकर्ता का हिस्सा, यहाँ पे है दोस्तों जमाकर्ता का हस्ताक्षर। कोई भी जमा कर सकता है दोस्तों, ये नहीं कि जिसका अकाउंट है वही जमा कर सकता है, दूसरा कोई भी जमा कर सकता है, और अपना साइन मार देगा बस। ऑप्शन है दोस्तों ये कैश अगर जमा करते हैं तो कितना का नोट है, तो ये ऑप्शन मेरा काम नहीं करेगा। अगर 50,000 से ज़्यादा का चेक है तो यहाँ आपको पेन नंबर लेना होगा दोस्तों, कम का है तो ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा का है तो यहाँ पेन नंबर लिखना है। इधर खाली है दोस्तों, यही फट के हमको मिलता है, तो ये प्रूफ के लिए रहता है दोस्तों। चलिए जल्दी से इसे भी भर लेते हैं, सेम भरेगा दोस्तों, ब्रांच हो गया, दिनांक आज का दोस्तों, बैंक अकाउंट नंबर सेम लिखना है दोस्तों जैसा है, नाम दोस्तों, मोबाइल नंबर, अमाउंट, वर्ड में अमाउंट, जल्दी जल्दी भर दे रहे दोस्तों आप, इसी तरह आपको भी भरना होगा। चेक, चेक नंबर दोस्तों, डेट, नेम ऑफ बैंक, डेट लिख दे रहे दोस्तों, चेक नंबर, डेट और बैंक दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का है,
अमाउंट फिर से बैठा दे रहे हैं 5000, टोटल 5000। इतना करके दोस्तों अब हम ये चेक, और इतना करने के बाद दोस्तों ये चेक और ये दोस्तों फॉर्म दोनों को लेकर दोस्तों हम बैंक में जमा कर दो। जमा करने के बाद बैंक में दोस्तों चेक जमा का एक बॉक्स भी रहता है, वहाँ भी आप जमा कर सकते हैं। इन दोनों को जमा करने के बाद दोस्तों आपको देखेंगे कि आपके अकाउंट में 5000 रुपया चढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपका दूसरा बैंक का सिर्फ यहाँ चेक रहता, जो बैंक ऑफ बड़ौदा था, वो बैंक लिख दिया जाता।